जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत अधिक हो रही है, साइकिल की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही अन्य वाहनों के बजाय साइकिल चुनने के कई फायदे हैं। साइकिल चलाने से आपका शरीर फिट रहता है और साइकिल चलाने से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल निर्माता है और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अगर डेटा फैक्ट की बात करें तो साल 2021 में भारत में साइकिल की बिक्री लगभग 16.5 मिलियन यूनिट थी। ये तो हुई साइकिल की बात, मगर क्या आपको पता है साइकिल चलाने के लिए साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकिल चेन और साइकिल हब होता है। मगर साइकिल की चेन और साइकिल के हब को कैसे बनाया जाता होगा, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज IID के इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे साइकिल चेन और साइकिल हब को बनाया जाता है। Myself रोहित पावा, आई एम द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ नोवा बाइसिकल इंडस्ट्रीज लुधियाना। जी, चेन में स्टील जो यूज़ होता है, इट्स अ स्पेशल ग्रेड स्टील, इट इज़ मीडियम कार्बन स्टील, एंड टाटा इज़ द मेन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री, सो उनका हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं इसके लिए, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी। सो सबसे पहले 75 टन्स की प्रेसेस में इसके लिंक्स हमारी कंपाउंड डाई से, कंपाउंड टूल से बनाए जाते हैं। फिर उनको हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस में अपना प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद चेन में कुछ और कंपोनेंट्स भी लगते हैं, जैसे बुश है, रोलर है। एक आम आदमी को चेन एक बड़ा इजी और छोटा सा कंपोनेंट देखने में लगेगा, पर इसमें लगभग 500 से ज़्यादा सब पार्ट्स हैं, तो जिसमें बुश, रोलर और पिन है। तो बुश और रोलर भी फ्लैटन वायर से बनते हैं, जो एक स्पेशल पर्पस कर्लिंग मशीन्स हैं, और पिन भी एक स्पेशल पर्पस मशीन पे ही बनती है। तो ये सब पार्ट्स को हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस से निकाल कर फिर फाइनल जो स्पेशल पर्पस असेंबली मशीन्स हैं उसमें लाया जाता है। तो उसमें हर पार्ट के अलग फीडर वेसल्स रहते हैं, तो उसमें फीड करके तो फिर ये ऑटोमेटिक मशीन्स में फाइनल असेंबल चेन रेडी होती है। तो उसके बाद उसके हम ब्रेकिंग लोड टेस्ट भी करते हैं, ताकि जब कल ये जब साइकिल पे चलेगा तो इसको एक सर्टन, एज पर ISI लॉज, एक सर्टन लोड सस्टेन करना होता है। तो वो हम अपने टेस्टिंग लैब में सारा चेक करके इसको ISI स्टैंप लगाकर फिर इसको पैक करके हम मार्केट में भेजते हैं। हब में सबसे पहले आपको हब के फ्लेंजेस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो बनाने के लिए माइल्ड स्टील शीट की ज़रूरत है। माइल्ड स्टील शीट हमें टाटा और स्टील अथॉरिटी और इन कंपनियों से आती है। तो आते ही हम इनका पूरा टेस्टिंग अपने लैब में करते हैं। तो अप्रूवल के बाद इनको प्रेसेस को हैंड ओवर किया जाता है, जहां हमारे वर्कर प्रेसेस में जो टूल्स लगे रहते हैं, डाइज लगी रहती हैं, उसमें से इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद थ्रेडिंग करके इसके फ्लेंज बनते हैं। फिर इसके सेंटर में पाइप रहता है, वो अगेन माइल्ड स्टील का और टाटा स्टील अथॉरिटी और इन कंपनियों से पाइप आता है। उस पाइप को काट कर तो दोनों साइड में फ्लेंजेस को फिक्स करके, और इसके सेंटर में फिर हम जो माइल्ड स्टील राउंड का एक्सल है उसको और स्टील बॉल्स को ग्रीस के साथ मैनुअली असेंबल करके हब को रेडी करते हैं। तो आज हमने आपको बताया साइकिल चेन और साइकिल हब के बारे में।
अगर आपके पास इस सेक्टर से संबंधित कोई सवाल है या आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IIT से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारोबार को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए IIT से। IIT की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एक्सपर्ट एपिसोड और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर जा सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।